अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, पंजाब यूनिवर्सिटी में मास्टर लेवल में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का मुकम्मल तरीका आपके साथ आज मैं एक्सप्लेन करूंगा। कितनी फ़ीस है, लास्ट डेट अप्लाई करने की क्या है, आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। इस टाइम जो आपकी स्क्रीन पे पेज ओपन है, लिंक ये दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, क्योंकि आप डायरेक्टली इस पोस्ट पे आएँ, क्योंकि हमने इस पर आपको ऑनलाइन अप्लाई घर बैठ के कैसे कर सकते हैं, आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिलेंगी मास्टर लेवल पे, एमए एमएससी लेवल पे। फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं, अगर आप हमें फेसबुक पे ज्वाइन करते हैं तो आपको अप टू डेट एजुकेशन सिस्टम्स जो भी पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी की आएगी डिटेल्स, कॉलेज यूनिवर्सिटी की, आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो फेसबुक पर हमें ज्वाइन करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ये लिंक जो ओपन होगा, जिसकी सिंगल फीस 1/10/2020 से लेकर 31/10/2020 तक है 4090 है। यह है एमए एमएससी के लिए 2021 की जो रजिस्ट्रेशन शुरू हुई है। आपने इस पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट पेज कैसा आएगा ये मैं आपको दिखाने लगा हूँ। स्क्रीनशॉट आपके सामने, आपकी डिटेल मैं बता रहा हूँ कि आपको ईजिली फॉर्म फिल करने का पता चल जाए। नेम रिपीट नेम देना है, आईडी कार्ड आपने अपना ही आईडी कार्ड सेकंड टाइम देना है, डेट ऑफ बर्थ और रिपीट डेट ऑफ बर्थ के बाद अपना फादर नेम, फादर रीटाइप नेम देना है, फादर आईडी कार्ड नंबर और अपनी तस्वीर को आपने यहां पे अपलोड करना है। इसके बाद रीजन, आप मेल फीमेल अप्लाई कर रहे हैं, फोन नंबर और अपना ईमेल मेंशन करना है। उसके बाद आ जाते हैं तीसरा पेज जो आपके सामने नजर आएगा, इसमें आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स का पता चलेगा कि आपने यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस, जो मौजूदा एड्रेस है, अगर आपका पोस्टल एड्रेस चेंज है तो वो आपने लिख के यहाँ पे टाइप करना है। नेक्स्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास पेज आ जाएगा जिसमें आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म की मैट्रिक से आपने सारी डिटेल देनी है, डिग्री टाइप, बोर्ड, पासिंग ईयर, रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर। आप जब इसको क्लिक कर लेंगे तो आपके पास नेक्स्ट पेज आ जाएगा जिसमें आपने इंटरमीडिएट की सारा डिग्री टाइप, बोर्ड, पासिंग ईयर, रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन देना है। थर्ड वन पे जो आपके पास आएगा पेज, उसमें आपने ग्रेजुएशन का, आपने किस यूनिवर्सिटी से, पंजाब से या जिस यूनिवर्सिटी से किया हुआ, पासिंग ईयर, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, और अगर आपके अदर आपके पास अगर एजुकेशन है वो आपने सारी टाइप करनी है। अगर आपने एमए किया हुआ और एमएससी के लिए अप्लाई आप कर रहे हैं वो आपने टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपके पास जो अगला पेज आ जाएगा उसकी भी डिटेल आपके साथ शेयर करता चलूँ। आपके पास अगला पेज आ जाएगा ये वाला, जिसमें आपने अपनी फीस जमा करवा सकते हैं एचबीएल की किसी ब्रांच में। प्रिंट फॉर चलान फॉर्म पहले आपने डाउनलोड करना है। बैंक में फीस जमा करवाने के बाद आपने जिस ब्रांच में जमा कराई होगी उसका कोड नंबर और जिस डेट को जमा करवाई है करके आप डेट फीस चलान पे क्लिक कर देना। जब आप ये क्लिक कर लेंगे तो आपके पास सारा फॉर्म फिल हो जाएगा। अगर आप खुद से ऑनलाइन करना चाहते हैं तो क्लिक हेयर के बटन पे क्लिक करके आप ऑफिशियली वेबसाइट पे चले जाएंगे, जहां से आप जाके इसके लिए अप्लाई खुद से घर बैठ के कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मुकम्मल डिटेल की इन्फॉर्मेशन मिल गई है। आप घर बैठ के प्राइवेट पंजाब यूनिवर्सिटी के मास्टर और एमएससी के लिए अप्लाई करना चाहें तो मुकम्मल डिटेल मिल गई है। वीडियो को लाजमी लाइक के साथ शेयर करें कि किसी और को भी घर बैठ के ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका मिले। अगली इंटरेस्टिंग वीडियो तक मुझे मेरी टीम को दुआओं में याद और इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।